हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKD चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आज के दिन भी हम लोगों को मार्केट यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, बट कुछ न्यूज़ ऐसे थे जो कि मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। सो, कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि आज के मार्केट की स्थिति आप लोग ये ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि मार्केट आज भाग सके। प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई गारंटी तो नहीं रहती है, बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो एक प्रेडिक्शन था उतना हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि मार्केट आज भागा तो नहीं। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को कहा था कि गड़बड़ होगी, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि कल मार्केट क्लोज रहेगा। सो, जिनको भी लॉकडाउन से पहले अगर कोई माल बेचना है तो उनके लिए आज का दिन आखिरी दिन था। कल से मतलब 14 अप्रैल की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी पूरे कंट्री को एड्रेस करेंगे, फर्दर लॉकडाउन एक्सटेंड होगा या नहीं, रिस्ट्रिक्शन के साथ होगा या नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को कल ही देखने को मिलने वाली है। सो, अगर किसी को एग्जिट करना था, आज ही का दिन था, तो हम लोग कह सकते हैं 500 पॉइंट्स आज हम लोगों को सेंसेक्स आज भी देखने को मिला। रैली की पॉसिबिलिटी कम ही थी, कल भी मैंने वैसे आप लोगों को बता दिया था, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि क्या ये हम लोग ऐसा पकड़ सकते हैं कि गिरावट की पहले की खामोशी हो सकती है, तो वो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। बट ऐसे आज हम लोग को मार्केट भी क्यों गिरने को देखने को मिला, क्या क्या पॉजिटिव भी चीज़ें थी अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते, मार्केट इतना ज़ोर से नहीं गिरा जितनी हम लोग को अभी आदत हो चुकी है। मतलब 1000 पॉइंट डाउन, 1500 पॉइंट डाउन, 2000 पॉइंट डाउन, लोअर सर्किट लगना, अभी इस चीज़ से भी हम लोग यहाँ पे यूज टू हो चुके हैं। सो, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है आज मार्केट कुछ गिरा ही नहीं, 1.5% की गिरावट भी बहुत बड़ी होती है, बट जिस तरीके की गिरावट क्या अभी हम लोगों को आदत पड़ चुका है, तो ये भी गिरावट हम लोगों को कम नज़र ज़रूर आ रही है। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे हर एक चीज़ को चेकआउट ज़रूर करेंगे कि ये गिरावट हम लोगों को मतलब क्या क्या चीज़ें थी जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9000 के नीचे क्लोजिंग देना ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। उसके ऊपर अगर हो जाता तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ज़रूर मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आप लोगों को ज़रूर पता है। सो, 118 पॉइंट निफ्टी भी आज डाउन था, जो कि लगभग 1.5% के आसपास आप देख सकते हो। निफ्टी 50 होती है 50 में से अगर हम लोग बात करें, 30 शेयर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, बट सिर्फ 20 शेयर ही ऐसे थे जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात देख लेते कि मार्केट इतना गिरा क्यों नहीं, तो सबसे पहले अगर कोई वजह है तो हम लोग यहाँ पे टॉप गेनर्स में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डेड कैट बाउंस वाली चीज़ें देखने को मिल सकती है, मतलब कुछ शेयर ऐसे थे जो कि कंसिस्टेंटली चलते नहीं थे। मतलब अगर हम लोग देखते हैं L&T शेयर तो ख़राब नहीं है, बीच में मैंने आप लोगों को 700 के आसपास भी बता दिया था, अगर आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो। अगर वो पुराना वीडियो अगर आपको देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने खरीदा भी है, बहुत सारे लोग एक्शन लेने में कम बिलीव करते हैं, सो उनको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आज भी वो बेच के जा सकते हैं। हालांकि टारगेट 1000 का भी ऊपर है, बट वेट करना पड़ सकता है। सो, ये आप सबसे पहले देख सकते हैं बात। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और भी देखें तो हिंडल को भी एक ऐसा शेयर था जो कि कंसिस्टेंटली डाउन था, उसने आज 6% तक इंडेक्स को, निफ्टी के इंडेक्स को ऊपर लेके जाने की कोशिश की। भारतीय एयरटेल, ये स्टॉक भी आप सभी लोगों को पता है। उसी के साथ साथ अदानी पोर्ट, ये भी स्टॉक आप देख सकते हैं, डॉक्टर रेडी। सो, ये ऐसे स्टॉक हम लोगों को मैक्सिमम देखने को मिले जो कि हम लोग को टॉप गेनर्स में यूजुअली देखने को नहीं मिलते थे। बट अगर हम लोग निफ्टी के टॉप लूजर देखे, जो स्टॉक मतलब इंडेक्स को नीचे लेके जाने वाले स्टॉक थे, उसमें से हम लोग कह सकते थे बड़े 3 शेयर थे, मतलब बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एंड टाइटन। ये 3 कंपनियां ऐसी है जो कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, एंड ऐसी कंपनीज अगर निफ्टी लूजर्स में आना, जो कि हम लोग कह सकते थे निफ्टी में प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा था, तो आज ये दिग्गज शेयर हम लोगों को कह सकते जो कि H2B2 में आते, ये शेयर यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब आप लोग यहाँ पे कह सकते 10%। यहाँ पे अगर हम लोग बजाज फिनसर्व की बात करें तो 6-6.5% या फिर 8-7% के आसपास, टाइटन की बात करें तो 4.5-5% के आसपास, जो कि प्रेशर क्रिएट कर रहा था। सो, एक अच्छी भी बात थी डेड कैट बाउंस वाली, बट हम लोगों को बुरी भी चीज़ देखने को ज़रूर मिल रही थी। सो, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्टर ऐसे थे जो कि निफ्टी मेटल एंड निफ्टी फार्मा, ये सिर्फ 2 ही सेक्टर थे जो कि आज मार्केट को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। बाकी सारे सेक्टर आप देखोगे तो लाल निशान में देखने को मिल रहे थे। सो, यही था सबसे बड़ा हम लोग कह सकते थे पॉइंट। एंड अगर हम लोग आज के दिन की बात करें तो निफ्टी रियलिटी ने सबसे ज़्यादा प्रेशर आज के मार्केट में यहाँ पे क्रिएट किया है, तो निफ्टी फार्मा ने आज यहाँ पे बाजार को संभालने की पूरी कोशिश की है। उसी के साथ साथ आज का अगर आप लोग रेशो भी देखोगे, यहाँ पे मैं बॉक्स करके बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न बिल्कुल फ्लैट है। आज जो हम लोगों को डॉलर टू INR का जो रिलेशन है, कम्प्लीटली यहाँ पे हम लोग को फ्लैट चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, मतलब 76 पे ही हम लोगों को यहाँ पे डॉलर टू INR चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो, ना ही ये ऊपर जा रहा है, ना ही ये नीचे जा रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाज़ार में भी फॉरेन निवेशकों का फ्लो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोगों को आते हुए देखने को भी या फिर जाते हुए भी
मिल सकता है, बट वो जो अमाउंट रहेगा वो बहुत ही छोटा मोटा अमाउंट यहाँ पे हो सकता है। सो फिलहाल तो डॉलर टू INR भी हम लोगों को यहाँ पे फ्लैट ही देखने को मिला। अगर डॉलर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारा इंडियन मार्केट नीचे आ जाता है, एंड अगर डॉलर नीचे आना शुरू होता है तो हमारा इंडियन मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। सो फिलहाल आज के दिन का फ्लैट चार्ट पैटर्न डॉलर का भी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा मार्केट में भी ज़्यादा गिरावट नहीं लेके आया है। उसी के साथ अगर हम बात करें मेजर ग्लोबल इंडेक्सेस की, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोगों को मिक्स रिएक्शन देखने को मिलेगा। कुछ मार्केट हरे निशान में, हालांकि अमेरिकन बाज़ार आप सभी लोगों को पता है ये तो आज खुलेंगे, बट उसी के साथ साथ कुछ बाज़ार हम लोगों को हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं, कुछ बाज़ार आप लोगों को लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं, एंड ये मिक्स रिएक्शन है जिसकी वजह से हम लोग कह सकते थे आज हम लोगों का मार्केट भी ज़्यादा हम लोगों को ऊपर या नीचे जाते हुए देखने को नहीं मिला है। सबसे मेजर जो पॉइंट होता है वो हमेशा आप लोगों को पता है डो जोन्स का रहता है। आज डो जोन्स जिस तरीके का रिएक्ट करेगा उसका 70% के आसपास हमारा इंडियन मार्केट उसको ही फॉलो करता है। आप सभी लोगों को अच्छा खासा अभी पता चल चुका है, जो कि हम लोगों को आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में देखने को ज़रूर मिल सकता है। सो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग ने यहाँ पे कवर कर ली है। आज के दिन की अगर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ या फिर हम लोग कह सकते हैं तो वो थी ऑयल प्राइस से रिलेटेड ओपेक। यस दोस्तों, यहाँ पे रशिया ने अप्रूव कर दिया है, आप लोग कह सकते हैं जी, विच इज़ एन बिगेस्ट एवर ऑयल कट टू द सपोर्ट प्राइस। यस दोस्तों, आप सभी लोग पता है सऊदी एंड रशिया के बीच हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि ईगो प्रॉब्लम हो चुका था, एक दूसरे की वो बात मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे थे कि प्रोडक्शन कट कर दो तो ही ऑयल का जो डिमांड है वो यहाँ पे मार्केट में बढ़ जाएगा। फाइनली रशिया ने यहाँ पे ये चीज़ को अप्रूव कर दिया, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एंड उसी की वजह से जो ऑयल के प्राइस है वो यहाँ पे हम लोग को वापस जंप करते हुए देखने को ज़रूर मिले थे। सो रशिया एग्री टू एंड द प्राइस वॉर इन अ रिकॉर्ड डील, एंड ये आज के दिन की बात है, एंड इसीलिए बहुत सारे केमिकल सेक्टर की कंपनियाँ हो, उसी के साथ साथ पेंट सेक्टर की कंपनियाँ हो, या फिर ऑयल सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है इनके ऊपर हम लोगों को इस न्यूज़ का अच्छा खासा प्रभाव पड़ते हुए ज़रूर देखने को मिला है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं, इंडिया की बात करें सो हमारे लिए तो अच्छी बात नहीं होती क्योंकि हम लोग ऑयल के इंपोर्टर्स हैं। अगर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन कट होगा तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड प्राइस बढ़ेगा तो हम लोगों को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। बट हम लोगों को ऑलरेडी पता है इंडिया ने अच्छा खासा रिजर्व्स यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा होगा, क्योंकि ये चीज़ अफोर्डेबल नहीं है ऑयल इतना कम सस्ते दाम में मिलना। सो फिलहाल वापस ऑयल का रीगेन होना प्राइस, ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि हम लोग थर्ड लार्जेस्ट कंट्री में आते हैं जो कि ऑयल को इंपोर्ट कर लेते हैं। बट स्टिल हम लोग ज़रूर कहेंगे ये एक न्यूज़ थी जिसके वजह से ऑयल के प्राइस में हम लोग को कुछ हद तक स्टेबिलिटी आते हुए ज़रूर देखने को मिली है। सो यही चीज़ें जो कि आप लोग यहाँ पे बार बार पढ़ सकते हैं। आज पूरा दिन ओपेक से ही रिलेटेड था। द ऑयल हायर इन अ चॉपी ट्रेड आफ्टर द हिस्टोरिकल डील टू कट द आउटपुट एंड एंड अ प्राइस वॉर, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें जो वॉर है वो खत्म हो चुकी है, एंड जो डील थी यहाँ पे कट करने के रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, आउटपुट से रिलेटेड, उसको भी यहाँ पे रशिया ने अप्रूवल दे दिया है। सो अच्छी खासी न्यूज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली, जो कि बाजार का सेंटिमेंट आज ज़बरदस्त हम लोगों को मूव करते हुए देखने को मिली है। उसके बाद अब दोस्तों कोरोना वायरस से रिलेटेड हम लोग नेगेटिव न्यूज़ तो सुनी रहे, बट आज एक न्यूज़ ऐसी थी जो कि इंडिया के वे में बहुत ही पॉजिटिव है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका अपडेट लगातार हो रहा है। सबसे पहली बात, नो न्यू इन्फेक्शन इन अ 25 डिस्ट्रिक्ट वेयर द पॉजिटिव केसेस वर फाउंड अर्लियर। सो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे कुछ जगह थे जहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव केसेस देखने को मिले थे, एंड यहाँ पे अभी कोई भी नया इन्फेक्शन का पर्सन यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिला है। सो दोस्तों मैं वापस आप लोगों को ज़रूर अपील करूँगा कि ये लॉकडाउन की जो स्थिति है वो एक्सटेंड होने ही वाली है। हम लोग जस्ट बोल सकते हैं कि फॉर्मेलिटी बाकी है जो कि प्राइम मिनिस्टर कल आके पूरी कर देंगे, या फिर थोड़ी सा रिस्ट्रिक्शन देके वो लॉकडाउन को हटा सकते हैं, बट ये बात ज़रूर है कि लॉकडाउन एक्सटेंड होने ही वाला है। सो अगर आप लोग नेक्स्ट आने वाले जो फर्दर 16 डेज है, मतलब अप्रैल का पूरा मंथ, अच्छे से अगर लॉकडाउन को फॉलो करोगे तो ये चार्ट पैटर्न जो इंडिया का हम लोगों को जाते ऊपर थोड़ा थोड़ा करके वो जाते हुए देखने को मिल रहा है, वो फ्लैट होके बाद में अदर कंट्रीज़ जैसे कि साउथ कोरिया है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ है, जापान जैसी कंट्रीज़ है, जिन्होंने इसका चार्ट पैटर्न को नीचे लेके आया, उसमें इंडिया का भी नाम ज़रूर दर्ज हो सकता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आज हम लोगों को ये कोरोना वायरस से रिलेटेड अच्छी खासी न्यूज़ भी देखने को मिली। जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आते थे वहाँ पे अभी कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन भी सामने नहीं आए, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ के लोगों ने लॉकडाउन को बहुत ही सीरियसली लिया हुआ है। सो यही देखना है कि कल के दिन यहाँ पे लॉकडाउन से रिलेटेड क्या न्यूज़ आती है सामने, क्योंकि हम लोगों को सभी लोगों को पता है कि लॉकडाउन तो एक्सटेंड हो सकता है, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो हम लोग
अनसर्टेनिटी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कोई चार्ट पैटर्न पे दिखेगा नहीं कि मोदी जी बताएंगे या नहीं लॉकडाउन के ऊपर, ये कोई फंडामेंटल एनालिसिस तो होता नहीं, वो तो उनका खुद का एक एनालिसिस रहेगा, उसके हिसाब से वो बता देंगे। सो आज के दिन इंडिया भी अगर हम लोग कन्फर्म केस देखें तो फिलहाल आज अभी तक हम लोग 10,000 के ऊपर नहीं गए, वो तो नंबर ज़रूर जाएगा 10,000, 15,000, 20,000 भी हो जाएगा, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी मैनेजेबल स्थिति है। यस, बट अमेरिका जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहाँ पे एक दिन में 20,000 केसेस सामने आ रहे हैं, 2,000 डेथ हो रहे हैं। सो इस चीज़ को अगर कंट्रोल रखना है तो यस दोस्तों, हम लोग को जो लॉकडाउन है वो बिल्कुल यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, या फिर कल के दिन अगर मोदी जी जो भी चीज़ यहाँ पे बताते हैं उसको आप लोगों ने स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, चाहे वो लॉकडाउन रहे या ना रहे, जो भी चीज़ रहेगी उसको फॉलो करना चाहिए। रिकवर्ड की बात करें 857 रिकॉर्ड हो चुके, डेथ की बात करें तो 300 से ज़्यादा डेथ यहाँ पे हो चुकी है। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि पॉजिटिव थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि नेगेटिव थी, जो कि बाजार को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। बट हम लोग इसको भी कह सकते हैं कि एक बोलते हैं ना, तूफान आने से पहले एक खामोशी होती है, उसको भी अगर हम लोग इसको ऐसे प्रिटेंड करें तो वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट हमेशा इंतज़ार करता है कि एक्चुअल न्यूज़ क्या आ रही है सामने। अगर लॉकडाउन हट जाता है कुछ जगह से रेस्ट्रिक्शन डाल के, तो हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे बिजनेसेस कौन से हैं, कौन से बिजनेसेस वहाँ पे फैक्ट्रीज है जो कि स्टार्ट हो सकती है। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो यस, इंडियन मार्केट थोड़ा थोड़ा करके वापस ज़रूर शुरू हो सकता है ऊपर जाने के लिए। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो यस, लॉकडाउन ये बात अच्छी तो है नहीं, बिजनेस क्लोज डाउन ही रहेंगे, तो हमारा जो चार्ट पैटर्न है वो एक झटके में तो नहीं पर स्टेडीली स्टेडीली वापस नीचे आ सकता है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आज के दिन की यहाँ पे जो मार्केट की जितनी भी स्थिति थी, जो पॉसिबिलिटी थी, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी कि बाज़ार ऊपर क्यों जा रहा था, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे खासे न्यूज़ थे, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे कोरोना वायरस से रिलेटेड चीज़ें देख ली जो कि सबसे मेजर बात है। उसी के साथ साथ मार्केट नीचे क्यों गया वो भी हम लोगों ने देख ली, जो बड़े बड़े शेयर्स हैं उन्होंने आज हमारे मार्केट में यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया है। एंड मार्केट जो यूजुअली हम लोगों को स्टेबल ही देखने को मिला, सिर्फ 1.5% की गिरावट, ऐसे मार्केट में बेरिश मार्केट में हम लोग इसको स्टेबल ही मानेंगे। यहाँ पे हम लोगों को जो डॉलर भी अगर आज के दिन रुपीज़ का जो रिलेशन है वो भी देखने को मिला, एक स्टेबल ही प्रकार का देखने को ज़रूर मिला है। सो अभी 14 अप्रैल को कल क्या अनाउंसमेंट होती है एंड उसके बाद 15 अप्रैल को क्या मार्केट में रिएक्शन हो सकता है, ये तो कल के ही दिन जिस तरीके के अनाउंसमेंट रहेगी उस तरीके से ही हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। सो फिलहाल यही जरूर करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।